नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बांका। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। बांका जिले के अमरपुर शहर के स्थानीय रेफरल अस्पताल में मंगलवार के दिन विकलांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चपरी, पवई, जानकीपुर, मेहमदपुर, सिहुड़ी आदि गांव से सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग पहुंचकर विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। शिविर में डॉक्टर अशोक कुमार शाह एवं डॉक्टर मुकेश कुमार के द्वारा सभी दिव्यांगों का जांच किया गया। बताते चले, विगत 30 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय परिसर में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से 270 दिव्यांगों ने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था। इसी आलोक में रेफरल अस्पताल में शिविर लगाकर सभी दिव्यांगों की जांच की जा रही है। मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार शाह ने बताया कि शिविर में प्राप्त आवेदनों के आलोक में सभी दिव्यांगों की जांच की जा रही है। दिव्यांग में विकलांगता लक्षण पाने पर उसकी सूची तैयार की जाएगी, ताकि वैसे दिव्यांगों को सह समय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। इस अवसर पर अस्पताल के लिपिक आदित्य कुमार, अंजनी कुमार, मोहम्मद बाबर, पप्पू कुमार समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। बांका जिले के अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न अवैध बालू घाटों पर चलाई गई छापेमारी अभियान में 2 बालू लदी ट्रैक्टर एवं 1 बाइक जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया। वहीं मौके से ट्रैक्टर चालक समेत 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक भट्टी चक गांव निवासी सूरज कुमार, जानकीपुर गांव के मुकेश कुमार एवं चिराग कुमार बताया गया। थाना अध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर अवैध खनन रोकने के उद्देश्य से छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी दौरान क्षेत्र के बिरमा घाट पर बालू लोड करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के ताहडी मुख्य पथ पर बालू लदे एक ट्रैक्टर को रोकने का इशारा किया, लेकिन ट्रैक्टर चालक पुलिस वाहन को देखते ही भागने लगा, जिसे खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर ट्रैक्टर मालिक व एक पासर गिरोह के सदस्य को बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त वाहन एवं गिरफ्तार युवक के ऊपर खनन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बालू माफिया रात के अंधेरे में क्षेत्र के मालदेव चक, चोकर, किशनपुर आदि अवैध घाटों से बालू उठाकर क्षेत्र के मालदेव चक गाँव स्थित एक भट्टे के समीप एवं सलेमपुर भयहरण स्थान किशनपुर ग्रामीण पत्र स्थित बगीचों एवं अन्य जगहों पर डंप करते हैं और दिन के उजाले में अपने गंतव्य स्थानों पर बिक्री करते हैं। बालू माफिया के नेटवर्क अमरपुर थाना गेट के सामने स्थित होटल अमरपुर बस स्टैंड, बुच्ची मोड़, मेहमदपुर काली स्थान प्रेस क्लब के समीप रहकर पुलिस व अन्य अधिकारियों की गतिविधियों का खबर मोबाइल फोन के जरिए बालू माफिया को देकर सतर्क कर देते हैं। प्रतिदिन इन माफियों के द्वारा बिहार सरकार को अवैध खनन के जरिए लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत अभियान एवं बिहार सरकार की लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक शौचालय निर्माण की अमरपुर प्रखंड में धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। ताजा मामला क्षेत्र के तहटी पंचायत अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव के 4 नंबर वार्ड में देखने को मिली, जहां शौचालय निर्माण में पूरी तरह अनियमितता बरती गई। मामले को लेकर ग्रामीण कपिल देवदास, पतर देवदास, महेश दास, देवेंद्र दास, सालिग्राम दास, छब्बू दास, शीतल दास, राजेश दास, उमेश दास, वार्ड सदस्य पंकज दास आदि ने बताया कि करीब 6 माह पूर्व वार्ड में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। शौचालय निर्माण में पूरी तरह अनियमितता बरती गई। शौचालय की टंकी मात्र 3 फीट गड्ढा किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय निर्माण कार्य प्रखंड प्रमुख मंजू देवी के द्वारा किया गया है, जिसमें 4 कमरे बनाए गए हैं। शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बताते चले, शौचालय निर्माण कार्य में 1,69,477 रुपए का प्राकलन राशि दर्शाई गई है, लेकिन शौचालय में मात्र 3 फीट की टंकी बनाना कार्य में पूरी तरह अनियमितता दर्शा रही है। मामले को लेकर BDO राकेश कुमार ने बताया, मामले की जानकारी मिली है, जल्द ही शौचालय निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। कार्य में दोषी कर्मियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जो था कुछ पानी चूरा था, अभी भी चूरा है सर पानी, जो भी किए मुखिया जी किए हैं, ये तो पूरा ग्रामीण भी जान रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा बांका जिला इकाई द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बौसी में युवा संदेश यात्रा सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीत यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष विकास सिंह मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम युवा संदेश यात्रा होटल गोकुल बिहार बौसी से होकर हनुमान मंदिर चौक होते हुए हाई स्कूल के समीप से वापस होते हुए गोकुल बिहार बौसी होटल में यात्रा समापन हुआ एवं एक सभा आयोजित किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक की मंजिल प्राप्त न हो जाए।
हम सभी युवा आज के दिन स्वामी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था, जो बचपन से यशस्वी वाणी और ज्ञानवान थे। स्वामी जी 1893 के विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और अपने विचारों और सोच से पूरा दुनिया के गुरु कहलाए। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीत यादव ने बताया कि पूरे विश्व में भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आज ऐतिहासिक यात्रा मौसी में मना रहे हैं और आप सभी के बल पर है ये कार्यक्रम में युवा भाई बहन एक साथ एकत्रित होकर शानदार कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम में जिला एवं मंडल पदाधिकारी को हृदय से धन्यवाद दिया। स्वामी जी का कहना था, संघर्ष ही जीवन है, आप सभी संघर्ष करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री हीरालाल मंडल, श्रीकांत रजक, जिला उपाध्यक्ष विकी मिश्रा, पुनीता सिंह, जिला प्रवक्ता अभिजीत आनंद, एबीपी जिला प्रमुख प्रदीप झा, मंडल अध्यक्ष अभिषेक कुमार, युवा मोर्चा जिला महामंत्री भोलू पोद्दार, जिला मंत्री अनमोल कुमार सिंह, उपाध्यक्ष शशिकांत चौधरी, स्वीटी कुमारी, संध्या कुमारी एवं युवा मोर्चा के जिला के पदाधिकारी मंडल के पदाधिकारीगण, भाजपा नेतागण मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे। मंगलवार को पंचवारा बाजार के पाकड़गाछ स्थित सामुदायिक भवन में सामाजिक एकता फाउंडेशन के सदस्यों ने युवा के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंचवारा पंचायत के मुखिया भोला पासवान, कार्यक्रम में अवकाश प्राप्त एडीएम महानंद झा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग को युवाओं के बीच रखा और उनके जीवन से सीख लेने की बात कही। मौके पर प्लस टू उच्च विद्यालय पंचवारा के शिक्षक अजय कुमार, समाज सेवी नरेंद्र कुमार चौबे ने भी युवाओं के बीच अपने विचार रखे और युवाओं को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सामाजिक एकता फाउंडेशन के सदस्यों ने पंचवारा पाकड़ गांव मोहल्ले के बच्चों के बीच कॉपी और चॉकलेट का वितरण किया। साथ ही सदस्यों ने प्लस टू उच्च विद्यालय पंचवारा के नवम कक्षा के छात्र छात्राओं के बीच स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर आधारित प्रेरणादायी पुस्तक और कैलेंडर का वितरण किया। इस मौके पर सामाजिक एकता फाउंडेशन से जुड़े अजीत ठाकुर, संजीव झा, उज्जवल कापरी, मयंक ठाकुर, विजय भगत, अजय कुमार, उज्जवल कुमार, प्रेम शंकर मांझी, सौरभ भगत, सुभाष भगत, हिमांशु शेखर, अमित कुमार, सुस्मिता झा सहित बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।